तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं कुणाल लोग। तो आ चुके न्यू वीडियो के साथ। तो न्यू वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टैश आ चुका है 2021 का, अपना 15 अगस्त का। तो जो मैंने स्टैश मंगाया वो मंगाया मैंने बरेली से, सीधा कुरियर आया मेरे घर पे, मैंने अपने घर का एड्रेस दिया था। तो अब धीरे धीरे स्टैश स्टार्ट करते हैं। स्टैश है वो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो पतंग है हमारी सारी मंजोली साइज है, तो जो साइज है वो ये है मंजोली, कंपनी एरी MR की। इसका फोन नंबर वो नंबर सब है। ये देखो पतंग है, इसके जो जितने भी जो स्टिक होती है वो सब सिके हुए हैं, जिससे मॉइस्चर निकल जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मॉइस्चर कैसे निकलता है, किससे पतंग हल्की रहती है। वो मैंने वीडियो बनाई थी पतंग कैसे बनाते हैं उसकी, वो देख लेना। और बाकी जो जितने भी है ये सब चार 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 है, बस वो बड़ी बड़ी पतंगों को छोड़ के। और बाकी ये बस ये वाली भी दो है, ये वाली जो जिसमें दो आंखें बनी हुई है, दो पैराशूट है और एक तिरंगा है। बाकी ये सब डिज़ाइन देख लो, ये ऐसे ऐसे है, ये है। और जो जितने भी मंजोला साइज है इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, एक ये है, एक ये है और एक वो वाला है, मतलब लगभग सारे डिज़ाइन कवर है इसमें। और जो कुछ अलग पतंगे बस वो तीन चार ही है, ये है जो अलग पतंगे है, एक ये है, ये वाली देखी होगी, मुझे तो अच्छी लगती है वाला डिज़ाइन जो अच्छा लगता है मुझे। और ये छोटे छोटे बच्चों की पतंगे है, ये वाली ही पता नहीं कितने की थी, ये नहीं पता मुझे। बाकी पैराशूट है, तिरंगा है। और जो अब मैं पतंग का दिखाता हूँ कैसे क्या। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. मैं बताता हूँ पतंग देख के कैसी लिंक चाहिए, जो पतंगों में होना चाहिए। तो जो ये मंजोली साइज है, पहले इसका डिज़ाइन देखो, ये अच्छा है। और बाकी जो देखनी चाहिए, जो इसकी बीच की जो स्टिक होती है जिसे तिल्ला कहते हैं, वो अगर आप पतंगबाज हो अच्छे, अगर आपको मतलब प्रोफेशनली लगाने हैं पेच या मतलब कि अच्छे लगाने, तो हमेशा जो तिल्ला होता है वो सिका हुआ होना चाहिए। सिके हुए तिल्ले की निशानी होती है वो ब्लैक ब्लैक होता है थोड़ा, क्योंकि आग का जो धुआं होता है उससे ब्लैक हो जाता है। और बाकी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कागज कोई भी ढीला नहीं होना चाहिए। और पतंग का जो तिल्ला है हमेशा ऐसे करके देखना चाहिए, अगर वो ऐसे हो रहा है तो ठीक है, अगर वो टूट गया तो पतंग खराब है, वो कभी मत लेना। और बाकी पतंगा का जो कागज होता है एकदम टाइट होना चाहिए, और यहाँ पर से कोई भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इक्वल पेपर होना चाहिए दोनों का। कभी कभार क्या होता है पेपर हल्का सा ऊपर होता है या नीचे होता है, तो वो पतंग अनबैलेंस हो जाती है, वो इधर उधर जाती है, वो सीधी नहीं रहती। अगर आपको खींच के पेच लगाने हैं, मतलब अगर तिल्ले ऐसे सीधे एकदम मस्त रहेंगे, एकदम ऐसे सीधे सुन इक्वल, तो खींच के पेच एकदम मस्त लगेंगे, ढील के लगाने हैं वो भी एकदम मस्त रहेंगे। तो जो मैंने चीज बताई है आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी मैं आपको सारे एक बार डिजाइन कवर करा देता हूँ। ये सारे चार 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 पतंगे जो पीछे रखी हुई है जितनी भी है, तो मैंने ज्यादा दिखाई नहीं, सारे डिजाइन एक बार दिखा देता हूँ। एक वो था, एक ये डिजाइन है, और ये तो दिखाई दिया, ये भी दिखा दिया। और मैं ज्यादातर ना एक ही डिजाइन की पतंगे लेता हूँ, क्योंकि एक पतंग उड़ती हुई दिखती है ना एक ही डिजाइन की, तो समझ जाते हैं बंदे हाँ ये वही उड़ रही है जिसने पहले हमारी खाती थी। बाकी ये है, बहुत सारे डिजाइन तो पीछे है, वो जो है निकाल नहीं सकता अभी, बाद में निकालूंगा। मतलब कि सारे डिजाइन यहीं पर दिखा देता हूँ। बाकी एक ही वाला है, ये वाला सबसे मेरा फेवरेट डिजाइन है, ये वाला। और ये मैदानी पतंग है, आप देख के बता दोगे खुद ही। इसमें आप देख रहे होंगे वर्क, ये जो आपको लाइंस अगर दिख रही हो तो ये लाइंस, ये पता नहीं मैंने बताया था ये मोम से भी काम चला सकते हैं, मोमबत्ती के मोम से। बाकी इसका स्टोन जो होता है वो अलग होता है। और बहुत सारे डिजाइन है अगर आपको देखने, ये सारे चार चार के मंजोली साइज है। अद्धी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, अगर आप 16 तार या 12 तार से उड़ाते हो तो ही मंजोली लेना, उसके अलावा
वो सॉरी 12 तार या 16 तार से उड़ाते हो तो ही अभी लेना, नहीं तो मत लेना। बाकी ये सारे डिजाइन लगभग मैं कवर कर चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसकी वजह से आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी और अगर मंजा लाऊंगा, मतलब लाऊंगा ही, तो उसकी वीडियो और आएगी अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।